हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल तिहाल केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट, कल हमने एक टॉपिक किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका हमने फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने दो स्टेप में किया था। इसका जो मैकेनिज्म था, फर्स्ट स्टेप था आपका SN2 मैकेनिज्म और सेकेंड स्टेप आपका SN1 मैकेनिज्म। जो SN2 मैकेनिज्म था वो हमने आपको कल वाली यूनिट में, जो पीछे लास्ट वीडियो थी हमने उसमें करवाया था, और उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म के केस में हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है एक अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड में जो आपका हैलाइड या हैलोजन, ये किसका काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे इस केस में OH जो आपका इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपका किसका काम कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल का। कल हम आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इसमें OH इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, और इस रिएक्शन को आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम पीछे कर चुके हैं। अब बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। जब हम SN1 मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है, जैसे SN2 में ऊपर यहाँ पर SN2 था, तो वो आपका एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, यानी कि वन स्टेप में कंप्लीट था। तो ये वाला SN1 आपने याद रखना है। एक ट्रिक है याद रखने की कि SN1 आपका टू स्टेप में कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंप्लीटेड इन टू टू स्टेप। ये आपका दो स्टेप में कंप्लीट होगा, एंड इट इज़ कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इस जो आपका ये मैकेनिज्म है SN1, इस मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं, हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि ये आपका दो स्टेप में कंप्लीट होगा। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, फर्स्ट स्टेप इट इज़ कॉल्ड स्लो स्टेप एंड इट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में जो आपका स्लो स्टेप होता है, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, यहाँ आपका है एक अल्काइल हैलाइड, इसमें कार्बन के साथ में तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मिथाइल ग्रुप सेम हो, ये आपके ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 की जगह पे क्या आ जाता है आपका C2H5, CH3 की यहाँ पे आ गया आपका H, और यहाँ पे आपका आता है CH3। तो इस कंडीशन में भी अगर हम बात करेंगे तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस केस में अगर मान लो इस कार्बन के साथ में चारों के चारों ग्रुप अलग जुड़ जाते हैं, तो ये आपका कार्बन क्या बनेगा? कायरल कार्बन। क्या बनेगा? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन आपको पता है क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता है, और एसिमेट्रिकल कंपाउंड आपके क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब हम बात करते हैं इस केस में अल्काइल हैलाइड के केस में, तो ब्रोमीन या आपका क्लोरीन या कोई भी आपका हैलोजन है, वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन। ये आपका क्या है? इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। इस बॉन्ड पेयर को, जब ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और BR यहाँ पे इस रिएक्शन में से बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी कंसर्न, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट मींस सबस्ट्रेट के ऊपर, और सबस्ट्रेट आपका कौन है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड RX। अब बात आती है दोस्तों सेकंड स्टेप की। जब हम सेकंड स्टेप में चलेंगे तो सेकंड स्टेप में हम यहाँ से उठाएंगे आपका कार्बोकटाइन। जो कार्बोकटाइन है वो आपका प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा, एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन में होने के कारण OH जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। ये इजीली क्या करेगा आपका, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। किसके ऊपर? इस कार्बो कटाइन के ऊपर। और ये आपका फास्ट स्टेप होगा। अगर मान लो ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन आएगी। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, आपके मिथाइल ग्रुप एक साइड में चले जाएंगे और OH बैक साइड में। और जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कुछ ये वाली कंडीशन आएगी, तो इसमें OH आपका फ्रंट साइड में, इस कार्बन की फ्रंट साइड में और मिथाइल ग्रुप बैक साइड में। तो जब इसमें आपका पीछे वाले SN2 मैकेनिज्म में हम कर चुके हैं कि जब OH ग्रुप बैक साइड से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ रिटेंशन। तो आपका 50% प्रोडक्ट ये बनेगा और 50% प्रोडक्ट ये बनेगा। तो यानी कि आपका जो अब जो प्रोडक्ट बनेगा 50% तो रिटेंशन होगा उसमें, और 50% क्या होगा? इन्वर्जन। और दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। देखो इन्वर्जन का और रिटेंशन का जो 50-50% जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन। तो दोस्तों ये था आपका रेसिमाइजेशन। अब बात कर रिएक्टिविटी इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा आपका, वो आएगा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इसमें टर्शरी आपका जो है वो क्या आएगा आपका, मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अब बात करते हैं टर्शरी क्यों है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटाइन का, ये आपका देखो ये कार्बोकटाइन है, ये कार्बन कितनी कार्बन के साथ जुड़ गया? 3 कार्बन के साथ। इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इट मींस इट इज़ टर्शरी कार्बोकटाइन। इसके साथ में यहाँ पे कितने ग्रुप अटैच हैं? 2 हैं, तो इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकटाइन। और यहाँ इसके साथ में कितने मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप हैं? 1 है, तो इट इज़ प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। अगर इन केस में न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ेगा दोनों ही केस में, तो वो इजीली किसके साथ में जुड़ेगा? वो किसके साथ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा आपका टर्शरी कार्बोकटाइन के साथ, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकटाइन के साथ, और उसके बाद प्राइमरी कार्बोकटाइन के साथ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट विल बी डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। और आपको पता है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की बात करें अगर हम, तो मिथाइल ग्रुप आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको? इस कार्बन को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो इलेक्ट्रॉन
अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, वो मैक्सिमम किसके ऊपर होगी, इस कार्बन के ऊपर और उसके बाद इस कार्बन के ऊपर और उसके बाद। तो अगर बात करें हम स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा आपका, टर्शरी। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन इट इज़ मोर रिएक्टिव। तो आपका टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपेयर में। तो कुछ ये वाला ऑर्डर आपका आएगा। तो यहाँ पे आपका बन गया, ये आपका है टर्शरी, सेकेंडरी और ये था आपका SN1 मैकेनिज्म। और इसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।